अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपने लास्ट ह्यूरिस्ट को देखेंगे जिसका नाम है टेलकॉट पार्सन। टेलकॉट पार्सन वो बंदे हैं। अच्छा, इस पे पहली बात मैं ये करना चाहूंगा कि आपको पता है कि तीन पैराडाइम्स होते हैं, तो टेलकॉट पार्सन वो बंदे हैं जिन्होंने वापस आके कौन से पर्सपेक्टिव को रिवाइव किया था। इसका नाम है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ये कहते हैं कि सोसाइटी एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंड करती है, ना कि इंटरनल मोटिव्स पे, ना कि इंडिविजुअल मोटिव्स पे। तो ये भी आपके सोसाइटी को एज अ ह्यूमन बॉडी कंसिडर करते हैं जो कि डिफरेंट पार्ट से बनी है, जिस तरह सोसाइटी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से बनी हुई है। ये अमेरिकन है, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस हुए थे किसके काम से? डर्खाइम से काम से, मैक्स वेबर, सिगमंड फ्राइड के काम से। सोशोलॉजिस्ट थ्योरीज शुड रिवॉल्व अराउंड एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर, जो मैं अभी बात कर रहा था। ये बोलते थे एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है सोसाइटी रादर देन इंटरनल पर्सनैलिटी मोटिवेशन पे। ये सोसाइटी एज अ होल देखते हैं, मैक्रो लेवल पे देखते हैं। किस लेवल पे देखते हैं? मैक्रो लेवल पे, ना कि माइक्रो लेवल पे। रिवाइव्ड स्ट्रक्चरल अप्रोच। फेमस राइटिंग कुछ है, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, द सोशल सिस्टम, पॉलिटिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर। ये बात करते हैं सोशल ऑर्डर पे। बोलते हैं कि सोसाइटी को अगर आप चाहते हैं कि वो स्टेबल चले, स्टेबल और प्रॉपर ऑर्डर में चले, तो उसके लिए जरूरी है सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है। बोलते हैं हर सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए देयर आर सम फैक्टर्स, हमें उन फैक्टर्स की स्टडी करनी है और देन उन फैक्टर्स को सोसाइटी के अंदर अप्लाई करना है। तो इसके इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू हिम वी हैव टू सर्च फॉर द फैक्टर्स दैट आर नेसेसरी फॉर सोशल ऑर्डर। ओके, पहला इसका पॉइंट भी यही है, सर्चिंग फॉर फैक्टर्स दैट मेंटेन सोशल ऑर्डर, ठीक है। ये बोलते हैं ओनली अ शेयर्ड एंड वॉलंटरली कमिटमेंट टू वैल्यूज। बोलते हैं कि अगर शेयर्ड हो सोसाइटी के अंदर, जितने लोग हैं उनकी शेयर्ड वैल्यूज हो और वॉलेंटियरली कमिटमेंट हो सबकी उन वैल्यूज के साथ, तो फिर आपकी ये फाउंडेशन बनती है किसकी? सोशल ऑर्डर की। यू कुड प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ सोशल ऑर्डर। पीपल आर रेगुलेटेड बाय कमिटमेंट टू शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज। देखिए, जब नॉर्म्स एंड वैल्यूज बन जाती हैं तो ऑटोमेटिकली इंसान जिस सोसाइटी में रहता है वो कमिट हो जाता है, उनको ओबीडियंट करता है, उसको मतलब फॉलो कर होता है उन शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज को। जब उससे अलग हटके कोई काम करता है तो हम लोग बोलते हैं वो डेवियंट है, ठीक है। वो कमिटमेंट बड़ी जरूरी होती है, शेयर्ड आइडेंटिटी, कमिटमेंट होगी तो हमें फाउंडेशन मिलेगी किस चीज की? सोशल ऑर्डर की। ये टेलकॉट पार्सन साहब बातें कर रहे होते हैं। फंक्शनल प्री रिक्विजिट एजाइल स्कीम। बोलते हैं अगर सोसाइटी को स्टेबल और ऑर्डर्ड आप चाहते हैं तो उसके चार फंक्शनल प्री रिक्विजिट हैं। अगर ये चारों पूरे होते हैं तो सोसाइटी बड़ी ऑर्डर और स्टेबल में चलेगी। ये बड़ी इनकी मशहूर है एजाइल स्कीम, को याद रखिएगा ये बात। इसको एक एक करके पढ़ते हैं। एनी सोशल सिस्टम मस्ट अचीव फोर फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स। प्रीरिक्विजिट्स आपकी नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम टू विच अ सोसाइटी मस्ट फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट्स स्टेबिलिटी। मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं और सोसाइटी को उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है स्टेबिलिटी के लिए। और ये सोल्यूशन हमें कहां से मिलेगा? देयर आर सम सोशल इंस्टीट्यूशंस जो कि कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है जिसकी वजह से हमारी नीड्स पूरी हो रही हैं। जब नीड्स पूरी होती है तो सोसाइटी हमारी स्टेबल और ऑर्डर्ड है। पॉसिबल थ्रू डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस। ये बात यहीं पे आ गई, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट जरूरी है हमारे पास। अब चार हमारे पास एजाइल स्कीम है। ए का मतलब है एडॉप्टेशन, जी का मतलब है गोल अटेनमेंट, आई का मतलब इंटीग्रेशन और एल का मतलब है लेटेंसी। पहला देखते हैं एडेप्टेशन किसे बोलते हैं। ये सिस्टम मस्ट मेंटेन सम लेवल ऑफ कंट्रोल और फुलफिल नीड्स। इसका मतलब है ऐसा सिस्टम आपके पास होना चाहिए जो कुछ लेवल ऑफ कंट्रोल को मेंटेन रखे और जिसकी वजह से आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो। बेसिक नेसेसिटीज है रोटी, कपड़ा और मकान। और ये कैसे आएंगे? जब आपके पास पैसा होगा, कुछ पैसा होगा तभी तो आप ये सारे काम कर पाएंगे। वो इंस्टीट्यूशन जो कि आपके इस बेसिक नेसेसिटीज को पूरी कर रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं इकोनॉमी। इंस्टीट्यूशन कौन से? इकोनॉमी। ये क्या कह रहे हैं? फुलफिल फूड एंड शेल्टर, ये एग्जाम्पल्स दी हुई है। लेकिन इकोनॉमी आप याद रखिएगा, एडेप्टेशन के साथ आपने इकोनॉमी इंस्टीट्यूशन याद रखना है। सेकेंड हमारे पास है जी गोल अटेनमेंट।
बोलते कि सोसाइटी हर सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए या अपने आप को मेंटेन रखने के लिए कुछ सेट ऑफ गोल्स मेंटेन करने चाहिए, और वो सेट ऑफ गोल्स अचीव करने के लिए आपको एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, और वो इंस्टीट्यूशन हमारा कौन सा है? पॉलिटिक्स। अब इसको पढ़ते हैं, गोल अटेनमेंट। सोसाइटी हैज अ नीड टू सेट फ्यू गोल्स। फ्यू गोल्स सेट करते हैं, डिवाइस मींस टू अचीव देम। ऐसे काम कर रहे होते हैं, ऐसे स्ट्रेटेजीज बना रहे होते हैं जिससे उन ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं जिससे उन गोल्स को अचीव करते हैं, और ये भी गोल खुद ब खुद अचीव नहीं होते। इस गोल के लिए जिस इंस्टीट्यूशन की जरूरत है वो है पॉलिटिक्स। दिस नीड इज अचीव बाय इंस्टीट्यूशन पॉलिटिक्स। थर्ड, AGI। आई का मतलब है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? वेट, आपके पता है कि सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ आपके ऑपोजिशन होती है आपके पास, जो आप एक ही चीज पे कायम नहीं रहते, किस सबके अपने आउटलुक्स होते हैं, अपने वे ऑफ थिंक डूइंग थिंग्स होती हैं। तो बोलते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी जगह है, लेकिन कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को एडजस्ट करे, क्योंकि आपको अगर सोसाइटी को सर्वाइव करवाना है, आप चाहते हैं कि सोसाइटी सर्वाइव करे फॉर लॉन्ग टर्म, तो आपको इन कॉन्फ्लिक्ट्स को मेंटेन करना होगा, इनकी एडजस्टमेंट करानी होगी। तो उसके लिए आपको एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जिसका नाम है लॉ एंड जुडिशरी। इसको पढ़ते हैं दोबारा, वे टू एडजस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एडजस्टमेंट फॉर सर्वाइवल। ठीक है, बिटवीन इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिविजुअल्स के बीच में हो या फिर इंस्टीट्यूशन के बीच में हो। ठीक है, और वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट को देख रहा है, इनकी एडजस्टमेंट करवा रहा है, उसको बोलते हैं लॉ एंड जुडिशरी। रिड्यूस पोटेंशियल ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये डिसइंटीग्रेशन को खत्म करता है, कम करता है, और इंसानों को, उस सोसाइटी को, उन इंडिविजुअल्स को, इन इंस्टीट्यूशंस को इंटीग्रेट करवा रहा होता है दोबारा। उसके बाद फोर्थ आती है AGIL। एल का मतलब है लेटेंसी। लेटेंसी होता है, इसको दूसरा, अगर आपको लेटेंसी याद है, इसका मतलब होता है पैटर्न मेंटेनेंस। पैटर्न मेंटेनेंस का मतलब है कोई स्पेसिफिक पैटर्न होता है जो कि मेंटेन करना जरूरी है ताकि सोसाइटी एक स्टेबल तरीके से चले, एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। लेटेंसी को दोबारा आप याद रखिए, पैटर्न मेंटेनेंस भी कहते हैं। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, नेसेसरी बेसिक पैटर्न फॉर ऑफ वैल्यूज इज मेंटेन। जो बेसिक पैटर्न होता है हमारी सोसाइटी में, आपने क्या करना है, किस तरह चलना है, सही क्या है, गलत क्या है, लॉफुल क्या है, और अगेंस्ट लॉ कौन सा है, डेविएंस एटीट्यूड किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हमें कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन बता रहे होते हैं। और आपको पता ही, हमें कौन बता रहा होता है, हमें बता रही होती है फैमिली। बचपन से हमें बोलते हैं ना, घर वाले डांट रहे होते हैं कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, बड़ों से तमीज से बात करो, बच्चों से शफकत सलाम करो, जाके ये करो। फैमिली हमें बता रही होती है, एजुकेशन हमें बता रहा होता है, एजुकेशन एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, और ये भी हमें ये बता रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए ताकि ये पैटर्न मेंटेन रहे। रिलीजन हमें बता रहा होता है क्या हराम है, क्या हलाल है, तो रिलीजन भी हमें गाइड कर रहा होता है। तो आपको ये आई होप कि एजाइल स्कीम समझ आ रही है। एजाइल स्कीम समझ आ रही होगी आपको, और ये टैलकॉट पार्सन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एडाप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी याद रखिएगा। पैटर्न वेरिएबल्स एंड एवोल्यूशन, ये बोलते हैं कि पैटर्न वेरिएबल्स होते हैं हर सोसाइटी के, लेकिन हम देख रहे हैं सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, तो ये पैटर्न वेरिएबल्स कुछ चेंज हो रहे हैं। ठीक है, पहले पैटर्न वेरिएबल्स कुछ और थे, अब वो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है उन पैटर्न वेरिएबल्स की। तो ये बात करते हैं कि इसीलिए जब पैटर्न वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं ड्यू टू एवोल्यूशन, सोसाइटी चेंज हो रही है, सोसाइटी आगे बढ़ रही है, तो इसको हम लोग पैटर्न वेरिएबल्स एवोल्यूशन को इसने बोला। एवोल्यूशनरी डॉक्ट्राइन की बात कर रहे होते हैं ये, बोलते हैं कि सोसाइटी अब क्या है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, किससे, फ्रॉम सिंपल फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो सोसाइटी ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम सिंपल फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, स्टार्टेड फ्रॉम इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। बोलते हैं आपकी जो सोसाइटी में चेंज स्टार्ट हुआ है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पे, ये इसकी जो बेसिक है, इसकी जो फाउंडेशन है, ये इकोनॉमिक इकोनॉमी फाउंडेशन है। जितनी ज्यादा इकोनॉमिकल चेंजेस आई हैं, उतनी ही ज्यादा आपके पास सोशल चेंजेस, सोसाइटी के अंदर हम चेंजेस देखने को मिली हैं। द मोर द चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन, द मोर द चेंजेस इन द सोशल वैल्यूज। तो क्या है, जब ये सोशल वैल्यूज चेंज हो रही है इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, स्विच्ड टू कल्चरल डिटर्मिनिज्म। हमारी पूरी सोसाइटी का जो कल्चर है, मेन कल्चर है, वो ही चेंज हो रहा है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, चेंजेस इन
जब कल्चरल डिटर्मिनेशन को किसी का मतलब क्या है, चेंजेस इन वैल्यूज सर्व्ड एज मींस फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हमें बात समझ आती है कि इकोनॉमिक वो चीज है, वो फाउंडेशन है जिसके वजह से सोसाइटी के अंदर चेंज आना शुरू हुआ। जितना ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज आया उतना ही ज्यादा सोशल वैल्यूज में चेंज आया, और सोशल वैल्यूज में जब चेंज आया डेट लीड्स टू कल्चरल डिटरमिनिज्म, जिसकी वजह से वैल्यूज के अंदर चेंज आया और सोसाइटी पूरी एज अ होल ट्रांसफॉर्म होगी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यही बात यहां पे लिखी हुई है, इवॉल्व टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग द मॉडर्न वैल्यूज। जब हमने मॉडर्न वैल्यूज को एक्सेप्ट किया तो सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो गई कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर। टेलकॉट पार्सन ने दो कैटेगरीज को दो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया है, आइडेंटिफाई टू कैटेगरीज ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स ए एंड बी। ठीक है, ए वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल ए कहते हैं वैल्यूज ऑफ सिंपल सोसाइटीज, बी वेरिएबल्स कहते हैं वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, मतलब मॉडर्न सोसाइटी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी कहलाती है बेसिकली। तो इन दोनों सोसाइटीज के बारे में, इन दोनों पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। ही सॉ अ शिफ्ट इन वैल्यूज ऑफ पीपल फ्रॉम पैटर्न वेरिएबल ए टू पैटर्न वेरिएबल बी। इन्होंने बोला कि मैंने ये देखा, मैंने ये नोट किया अपनी रिसर्च में कि लोग पैटर्न वेरिएबल ए से अब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं पैटर्न वेरिएबल बी। इन दोनों के बारे में बात करते हैं। पैटर्न वेरिएबल ए कौन सी सोसाइटीज हैं, जो कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं। ठीक है, अभी किस पे ट्रांसफॉर्म हो रही है, पैटर्न वेरिएबल बी जो कि मॉडर्न सोसाइटीज हैं आपके पास। इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहले स्टेटस का डिफरेंस है। स्टेटस पहले क्या होता था ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, एस्क्राइब्ड एस्क्रिप्शन बेस में, मतलब बाय बर्थ जो स्टेटस मिल जाता था सोसाइटी इस पे रिलाय करती थी, ये लोग उस चीज को वर्थ देते, उस चीज को वैल्यू देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है मॉडर्न सोसाइटी में, अचीवमेंट वो स्टेटस जो कि खुद अचीव किया जाता है मेहनत करके, मतलब मोबिलिटी अलाउ करता है ये स्टेटस कि खुद आप मेहनत करें। गरीब बाप का अमीर बच्चा हो सकता है या अमीर बाप का गरीब बच्चा हो सकता है, तो ये क्या है मोबिलिटी आ सकती है इस सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी में। सेकेंड है रोल। रोल क्या है, पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी जो पैटर्न वेरिएबल एक ही थी उसपे डिफ्यूज होता था, तकरीबन सारे लोग एक ही तरह की काम कर रहे होते थे। लेकिन अब रोल क्या है, स्पेसिफिसिटी है, इसका मतलब है आपको पता है स्पेशलाइजेशन का दौर है, लोग डिफरेंट तरह की काम कर रहे हैं, डिफरेंट तरह की स्पेशलाइजेशन है उनके पास, वे ऑफ डूइंग थिंग्स है। फेवर, ये क्या फेवर, ये पर्टिकुलरिज्म का मतलब होता है, ये अपनी जात अपनी फैमिली में ये डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं, या अपनी लैंग्वेज में डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं। कोई बाहर का बंदा आ जाए तो उनके साथ बहुत डिफरेंट तरह से रिएक्शन होता है। लेकिन आपकी मॉडर्न सोसाइटी क्या है, ये यूनिवर्सलिज्म पे बेस्ड करती है। यूनिवर्सलिज्म का मतलब है कि ये सोसाइटी एज अ होल देखती है। से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च चल रही है तो वो एज अ होल पूरी दुनिया के लिए होती है। आपको अगर याद हो कि अगर हमने ऑगस्ट कॉम्प्टे में एक बात देखी थी कि वो पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं कि इस दौर में जो लॉजिकल दौर है, रैशनल दौर है, इसमें सोशल यूनिट पूरी यूनिवर्स है। हम लोग जो रिसर्च करते हैं पूरी यूनिवर्स के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं कि हमने अभी कोविड की बात, वैक्सीन की बात की, तो हमने पूरी यूनिवर्स के एक दिमाग में रखा कि पूरी कोविड पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो ये फेवर इसमें थोड़ा पर्टिकुलर थोड़ा डिफरेंट है। ग्रेटिफिकेशन, फोर्थ डिफरेंस क्या आपके पास, ग्रेटिफिकेशन ये अफेक्टिविटी, इसका मतलब है ये इमीडिएट रिजल्ट चाह रहे होते थे कि इनको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए। अगर ये कोई काम करें बोले हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, क्यों, क्योंकि ये चाहते थे मैं मैक्सिमाइज प्लेजर और मिनिमाइज पेन। जबकि अभी की सोसाइटी बोलते हैं कि आप मेहनत करें और आगे जाके आपको इसका फल मिलेगा, इस तरह ही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये न्यूट्रलिटी है जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये डिले ग्रेटिफिकेशन, और ये क्या करते हैं सेक्रीफाइस कर सकते हैं इमीडिएट गोल्स को। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की बारे में बात कर रहे होते हैं अभी का दौर, इसीलिए क्या करते हैं कंटिन्यूसली अपने स्किल्स को अपडेट कर रहे होते हैं, अपने सोसाइटी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आखिरी चीज है हमारे पास इंटरेस्ट, कलेक्टिव ओरिएंटेशन। ये मैं कलेक्टिव ओरिएंटेशन, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जब ये कोई बात करते हैं तो एज अ रूरल या एज अ जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं
वो एज अ एक साथ मिलके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, एज अ सोसाइटी अपना, एज अ रूरल ऑर्गेनाइजेशन, एज अ होल अपने गांव के बारे में सोच रहे होते हैं। आपको पता है बुजुर्ग आते हैं, उनकी डिस्कशन होती है, सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं। प्लीज फेवर और इंटरेस्ट को मिक्स नहीं कीजिएगा। ये यहाँ पे होता है कोई मुश्किल वक्त आ जाए, कोई कलेक्टिव ओरिएंटेशन आ जाए, या मैं इधर आपको एक चीज लिख देता हूँ, दे टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स। जबकि अभी की सोसाइटी में सेल्फ ओरिएंटेशन में मैं और मेरी फैमिली, मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है। तो ये सेल्फ ओरिएंटेशन है, आप अपने फायदे की वजह से लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपको हर वक्त अपने पैसों की पड़ी है, मुझे ज्यादा कमाना है, सोसाइटी कुछ भी करे खसारे में जा रही है, लेकिन मुझे अपने आप को देखना है कि मुझे इससे क्या फायदा हासिल हो रहा है। तो दीज आर सम रोल्स, सम डिफरेंसेस बिटवीन पैटर्न वेरिएबल ए एंड पैटर्न वेरिएबल बी, और यू कैन से बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटीज। आई होप आपको इसकी बेसिक चीजें समझ आ गई होंगी। प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एज एस स्कीम आप इसको जरूर याद दिमाग में रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे यहाँ पे 7 थ्योरीज़ कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी सोशल प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड थ्योरीज कौन सी हैं और किस तरह आप थ्योरीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।